है तो वृंदा दिल दोस्ती डांस गैंग की तानी ही ना, तभी तो देखिए पूरा D3 गैंग आ गए अपनी गुड विशेस और ब्लेसिंग्स देने इन न्यूली एंगेज्ड कपल को। एक्चुअली D3 के कास्ट का रियूनियन कुछ दिन पहले ही हो गया था। हम लोगों ने बहुत टाइम के बाद कोशिश करी कि हम सब मिले, और हम लोग पता नहीं क्यों नहीं मिल रहे थे। किसी को कोई काम नहीं है, सब वेले हैं, पर फिर भी नहीं मिल रहे थे। सो बट या वी ऑल आर हियर एंड वी आर वेरी हैप्पी। फाइनली हमारे ग्रुप की पहली शादी, मतलब शादी नहीं, अभी इंगेजमेंट हुई है, वो भी हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, नहीं बराबर होगी। क्या कहना है? ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशन और खुश रहो आप जीवन में, सदा खुश रहो। आई वुड लव टू सी वृंदा बिकमिंग मम्मा। कैसी दिखेगी यार, मतलब इमेजिन नहीं कर पा रहे, पर देखना पड़ेगा। प्रेजेंट हम आए ना, वीआईपी पीपल मैन, वी आर वीआईपी पीपल। प्राइस क्या, मतलब गिफ्ट में क्या होता है यार? गिफ्ट कभी हम D3 के, मुझे याद नहीं है किसी ने भी किसी को कभी। हम लोग शादियों में सिर्फ खाना जाते हैं, और फिर हम लोगों ने इसको एक ट्रेंड बना लिया कि कोई किसी को कोई गिफ्ट नहीं देगा, विच इज वेरी। आओ खाना खाओ फ्री फंड में, एक दूसरे को गिफ्ट दिया तो हम लोग उसको इंसल्ट मानते हैं, तो इसीलिए प्यार है फैमिली में, मतलब प्यार है यार, समझो बात को, शादी में दे देंगे। और बुक किया है, एक मर्सिडीज बुक किया उसके लिए। हाँ बाहर एक ऑडी खड़ा है एक्चुअली, वो हमने बुक किया। वी जस्ट वांट टू से इतना इट्स अ लव मैरिज, और आप लाइफ टाइम प्यार करते रहो, और आपका प्यार बढ़ता रहे, एंड भगवान करे कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, एंड खुश रहो, आबाद रहो, बट हमारे बाद रहो। हाँ मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आबाद रहो, हमारे बाद रहो। नहीं एक्सक्यूज मी, मैं अच्छे से बोलूँगी कि या इट्स अ लव मैरिज, और मैंने देखा कि जैसे उन लोगों ने साथ में डांस कर रहे थे और जो केमिस्ट्री है, तो मैं चाहती हूँ कि वो लाइफ टाइम सेम केमिस्ट्री के साथ वो लोग रहे, बहुत प्यार बढ़ता रहे, और बस कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ पहली बार तो वृंदा को ये बोलना चाहूँगा कि उससे मेरा बीच बीच में बात होता था, तब तो वो बहुत मेहनत कर रही थी उधर इधर, फाइनली उसका एंगेजमेंट इतना अच्छे ग्रैंड लेवल पे हुआ है, उसके लिए उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हाँ हम लोग ने बहुत एंजॉय किया, और सेम मतलब जीवन में बहुत, मैंने बोल दिया भाई सदा खुश रहो और कभी झगड़ा बिगड़ा ना हो। भरत बहुत छोटा, उसे प्यार और शादी के बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी हम जानना चाहेंगे। भरत आपको क्या लगता है? मैं बोलना चाहता हूँ कि हमेशा खुश रहो, आगे चल के भी खुश रहो, और झगड़ा बिगड़ा मत करो, और एक अता हमारी सटक ली। ये बताएं, पहले तो मैं आपको दिखाऊं, आप जरा कैमरा ऊपर से नीचे घुमाइए, स्पेशली तैयार होके आई हैं वृंदा के एंगेजमेंट के लिए। वृंदा के लिए मैं एकदम रेडी होके आई हूं। जी हाँ, तो आप बताइए अगली जगह से डांस किया, बताइए। मैंने और भरत अमर हमने किया, ये लोगों ने घोची कर दिया, ये लोग आए नहीं। एक सेकंड, मुझे तो ऑफिशियल इनविटेशन आया है डांस करने का, मैं क्यों करूं? नहीं एक्चुअली उसने सबको पूछा था, पर हमने ही बोल दिया बात जी है, कोई ये वो है, ये है असली क्रिमिनल। पर फिर एक्चुअली हमें 3 दिन लगा, 3 या 4 दिन में हमने प्रैक्टिस किया, और बहुत अच्छा लगा, गणपति सॉन्ग था। मैंने सुनने में आया कि जो परफॉर्मेंस था वो आपकी वजह से रुका था, मतलब सब लोग रुके थे कि अलीशा की फिर परफॉर्मेंस होगा, ऐसे मतलब ऐसे सुनने में था कि 4:30 बजे को करने वाले थे, बट 6:30 बजे तक अलीशा अंधेरे में ही थी। 7:30 बजे तो आई ना यहाँ, 6:30 बजे। हाँ तो बहुत ही वृंदा का एंगेजमेंट हमारे लिए बहुत ही एडवेंचर से भरा हुआ था, पर मजा आया। ये थैंक यू, ऑल द बेस्ट वृंदा, कांग्रेचुलेशंस वृंदा एंड भाविन। हम वृंदा और भाविन को इंडिया फोरम्स की पूरी टीम की ओर से ढेरों बधाइयां देते हैं। उपासना पटेल, कैमरामैन बाबाजी, इंडिया फोरम्स, मुंबई। Hi, this is Vrinda Davda. You're watching me on India Forums. Please subscribe to WhatsApp TV.